यार ये क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ? मैं भागू से पुलिस को कुछ हो गया, उन्हें इलाज मिलना शुरू किया। अब देखते हैं ना, भागना तो कोई पता ही इनका डॉक्टर वालों का। चलो यार तेरी ऐसे कैसे तुझे भगा दी, मैं भी तुम्हें जरूरी है वरना मैंने सीधे ना बचाना था। अभी तो यार भागू भागू मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया। भागो यार, हाँ चलो चलो चलो, लगता है इधर पास में एक्सीडेंट हुआ जो ये लेके आया, वरना तो दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना था। हाँ चलो चलो, फोन तो मुझे डस ही आया, देखते हैं कहाँ पे हो सकता है। अरे यार ये कैसे पता हुआ कहाँ पे हो सकता है? यार पूछते हैं इधर जो एक बॉर्डर खड़ा है, कैसे बाउंडर ही है यार, पूछते हैं ना इसमें ये ना मैं कहीं गलत रूम में चले जाऊँ, बाद में मुझे भाई ने कॉल टेप लिया, तुम कौन अच्छा और लगते हो। अस्सलाम वालेकुम सैयद, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वालेकुम सलाम यार, ये इधर से फ़ोन आया था कि मेरे दोस्त अली का एक्सीडेंट हो गया। सच्ची में वो झूठ खबर थी सर? अच्छा 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 आप इकबाल हैं? अभी मैं इकबाल हूँ, ये सच है खबर झूठ? नहीं नहीं सर, ये सच खबर है। उनको अंदर लेके गए हैं पेशेंट थिएटर में ना, डॉक्टर साहब उनके खून खून थे ना, उनका इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना उनको। शायद फिर आप उनके दोस्त हैं तो पेमेंट? यार अभी तो मुझे टेंशन है, तुम लोग पेमेंट मांगे ना तुम्हारी ऐसे से दे दूंगा मैं पेमेंट। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा यार, शुक्र अली का ऑपरेशन हो गया, अब यार बस जल्दी सही हो जाए यार। अली मेरा दोस्त, बता नहीं तुम्हें क्या हो गया, किसने तुम्हारे साथ ये किया, मुझे उसको बता दो ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक दफा पता चल जाए किस एक बार भाई। हाँ यार अली तुम्हें होश हो गया? हाँ एक बार भाई। यार अली तुम्हें क्या हुआ था, मुझे बताओ तब से उसे। यार एक बार भाई मैं अभी बोली वाली मुश्किल से जा रहा हूँ, आपको अपनी पड़ी हुई है। यार क्या हुआ था जल्दी बताओ मुझे। यार हुआ क्या था मुझे बताओ, तुम मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है ना, जल्दी बताओ। यार एक बार भाई आप तो ऐसा रखे ना बहुत ना। यार मैं कहाँ पे रो रहा हूँ, मैं तो रो नहीं रहा ना। यार इकबाल भाई हौसला रखे, मुझे नहीं पता आप अपने दोस्त से कितना प्यार करते हैं। यार तुम्हें पता है ना, बताओ किसने किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बाद में देख लीजिएगा यार इकबाल भाई, पहले मुझे बताए ये डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या कहा है। यार तुम्हें पैसों की कोई बात नहीं, तुम्हें शॉटें आई थी और तुम्हें टांग ऊपर इसमें थोड़ी सी हड्डी में क्रैक आ गया ना, उन्होंने डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा बस एक दो दिन में हफ्ते में हल्के। अच्छा यार बाल भाई चाचा कहाँ पे? उनको डॉक्टर चेक करने के लिए गया, मुझे बता दो तुम्हारे साथ हुआ क्या था। अच्छा यार मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने बाल भाई मैं नाम से जा रहा था, मैं पुलिस भेजनी थी हल्की हल्की इतनी है, मैंने 90 की स्पीड में रखी थी क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो यार सिग्नल था काश में उधर में गया था, मैं चोट नहीं लगी होती। अब इसको छोड़ दूँ तो आगे क्या हुआ था? उसके बाद मैं ना चला रहा था मुझसे पहला वैसी स्पीड पे, फिर पता नहीं चलने लगता है जैसे दौड़ खत्म हो गया, बाइक की स्पीड भी हल्की हो गई और रुकने लग गए बीच में, मैं उसको घसीट घसीट के बड़ी मुश्किल से चला रहा था, लेस दे रहा था, वही अचानक एक खंभे के आगे आके रुक गई। मैं उसको चलाने की बहुत कोशिश की मगर चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन से अचानक एक फुल टॉप स्पीड में आ रहा था, उसने मुझे टक्कर मारी, उसके बाद घर आग लग गई और फायर ब्रिगेड भागते भागते आए, सारे में उनका बज रहा था, उन्होंने आते साथ आग बचाई और शुक्र है कि मैं आग से बच गया था, मुझे आग में कोई मतलब कोई मैं हाथ जला नहीं पैर जला। कोई बात लगा शुक्र। अच्छा मेरे बाइक का क्या हुआ? यार एक बार मैं बता तो रहा हूँ, वो जल गई थी आग, उधर ट्रक पे भी लग गई थी और बाइक पे भी लग गई थी। अब पुलिस उधर मैं बेहोश हो गया, मैं आपके सामने हूँ, अब मुझे जाग आई। अभी तो जाग नहीं आई, अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अरे यार इकबाल भाई किसी टाइम तो मजाक छोड़ दिया करो यार, आगे मुझे बड़ी दर्द हो रही है इस पाँव पे जो मैं खड़ा है ना। यार इकबाल भाई मैं क्या बताऊँ। यार तू हौसला रख हौसला, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने तुझे एक हफ्ते का आराम का रेस्ट का कहा, रेस्ट कर ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर, इंशाल्लाह बहुत जल्द सही हो जाएगा। यार इकबाल भाई मैं कैसे आपको बताऊँ, मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा। अच्छा ये तो बताओ वो ट्रक वाला जिंदा बचा था या मर गया था? यार इकबाल भाई मैं कैसे बताऊँ, मैं तो बेहोश हो गया था ना। अबे यार चलो चलो चलो, ये क्या झटके देने शुरू हो गए, रात को भी इस तरह झटके दे रही थी। चल जा, हाँ चल रही चल रही चल रही चल रही, शबाश शबाश चल, अरे फिर से झटका, शबाश शबाश, थोड़ी देर और थोड़ा सा रास्ता और आगे उधर चली जाओ। यार लगता है आप तो उधर आना ही पड़ेगा, मुसीबत खाना यार मुसीबत। रात को ही जलाया तो मैंने फुल टैंकी कराई थी,
पूरे 5,000 लग गए थे डॉलर इस पे। यार मुसीबत खाना, फिर से फुल कराऊंगा मैं तय कि चल जा। अच्छा नहीं जाना उधर तक, तुम इधर तक ही पता और तक चल जा। हाँ शाबाश, कोशिश कर, कम ऑन कम ऑन, तुम कोशिश कर सकता है मेरी बाइक। शाबाश शाबाश शाबाश, चल चल जा चल। हाँ चल, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो और थोड़ा सा मुसीबत खाना। इतना लग ही जा रहा है पेट्रोल, एक उधर में पैसे भी लग रहे हैं पेट्रोल, रोज़ मेरा लग रहा है, दो टाइम लग रहा है। अब मैं क्या बताऊँ, सुबह के टाइम रात के टाइम मुसीबत खाना, इतना पेट्रोल लग ही जा रहा है। और चल जा थोड़ी देर, वो बस आ गया। हाँ हाँ बस, हाँ थोड़ी सी अभी चली थी ना थोड़ी सी ज़्यादा, और चल जा बल्कि मैं उधर तक ले जाता हूँ। मगर यार रस्ते में रुकना जाए ना, फिर बाद में मसला समझते हो ना इस वजह से। चलो टैंकी चेक करते हैं कितनी, मेरे ख्याल से तो खाली है। अरे यार खाली होगी सारी की सारी टैंकी, मैं देख लिया। अब यार चलो फुल टैंकी अप कराते हैं, हमें कोई पता और भरना पड़ना कोई तो है नहीं, तो चलो भरते हैं। अरे यार चलो भर लिया, और टैंकी भी मैंने चेक कर ली, फुल हो गई। अब मुझे चेक करनी पड़ती ना बीच में, ये मशीनें एक आ जाती हैं दो नंबरियाँ ना, इस बार से चेक करनी पड़ती हैं। हाँ हाँ मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया यार, रात को ना मुझे बाल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था अली का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कैसे, उसने कहा यार पता नहीं एक ट्रक आया था उसने ना टक्कर मार दी, उसके बाद से अली का ना बाइक गिर गई और आग लग गई और उसको चोटें बड़ी शदीद लगी हैं। मैंने फिर पूछा कि आप अब तो ठीक है ना, वो कह रहा है आप ठीक है, डॉक्टर ने कर दिया उसका इलाज। यार अब यार पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, लिया मैं दुआ करो, पता नहीं पहले चचा का अब ये इधर पता नहीं क्या हो गया अली के साथ। खैर हम वैसे मैं इधर आया था वैसे भी, और इकबाल ने मुझे ये भी बताया था कि डॉक्टर ना सुबह हमसे मिलना चाह रहे हैं, कोई उन्होंने चचा के बारे में बताना हमें ना, क्या उनको उसको टेस्ट आ गया ना, वो रिजल्ट आ गया। इस वजह से ना मैं इस वजह से भी इधर आया हूँ, और अली को भी देखने आया हूँ, देख लूँगा अली को भी। अभी तो मैं ना चलो इस टाइम जो मेन मकसद के लिए आए ना उधर चलते हैं, ये तो इकबाल तो सामने खड़ा है, बात भी करूँगा पता और इतना लग रहा है ना, इसका मसला भी हल करेंगे। ट्रैवल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ट्रैवल भाई हेलमेट पहना हुआ, इधर धूप नहीं है ना, आप मोटरसाइकिल पे यार हेलमेट तो उतार लो यार, उतार रहा उतार रहा हूँ, ये ले खुश हो गया उतार लिया मैंने। यार ट्रैवल भाई इतनी बड़ी जुल्फें आपने करा रही हैं, क्या हुआ कुछ काम ख़राब तो नहीं कर रहे आप? भाई यार चुप बैठे, कोई नहीं वैसे ही बाल भरे हो गए, कटिंग कराने का टाइम नहीं मिलता यार। यार ट्रैवल भाई कौन सा आप बिजनेस मैन हो यार? यार अच्छा फिर बिल कौन दे रहा है, बिजनेस मैन ही में? यार ट्रैवल भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, अच्छा इसको छोड़ अब। ट्रैवल भाई डोगे फ्री छोड़ा, अरे यार तुम हर वक्त मजाक करता रहा कर। अच्छा बता फिर इकबाल अली की तबीयत कैसी है? यार ट्रैवल भाई बस सही है, उसको होश आ गया, डॉक्टर ने एक हफ्ते का उसका रेस्ट करने का कहा है। अच्छा फिर बिल तूने दिया? यार ट्रैवल भाई मैंने दिया यार, बड़ा महंगा हॉस्पिटल आप ले जाए, तो बोले महंगे महंगे बिल ना यार देने तो पत्ते हैं ना यार। चलो यार ड्राइवर भाई सुनते हैं, अगर डॉक्टर इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा फिर आ जा, चल आ जा जल्दी जल्दी यार चलो डॉक्टर को इंतज़ार नहीं करना, अच्छा वरना गुस्सा हो जाए फिर चले जाए, हमें उसकी ज़रूरत है। वही यार आ जा आ जा, ये मुसीबत खाना कहाँ पर रह गया, मैं तो चला जाता हूँ, आ जाता। नहीं 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 यार कज़न है ना विराशत, देखते हैं आ जा यार। हाँ ला लो ट्रैवल भाई आप, चलो चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं नहीं तेरे पीछे आता, खुद आ जाए ठीक है ना। मैं कहा यार ट्रैवल भाई आप आ जाए ना, मैं आ जाऊँगा बल्कि। हाँ चलो चलो, पता नहीं कौन सी मस्तियों में लग गया इकबाल, हम तो ना यार आ जाए, मैं आ रहा हूँ यार ट्रैवल भाई आप चलो यार, चलो चलते हैं दो। हाँ भाई वाह चलो चलते हैं, आखिरकार मैं आगे मैं वॉशिंग कर रहा था ना, इस वजह से लगे चलो। यार ट्रैवल भाई मैं आ चुका हूँ। अच्छा तुम आ गए, इतनी देर लगाई था कहाँ पे जब जब था। यार ट्रैवल भाई मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी डॉक्टर साहब शुरू करें, मैं बाद में आपको ट्रैवल भाई बताऊँगा ठीक है। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि उनके रिजल्ट कैसे आए हैं, उनके ना रिजल्ट के मुताबिक जैसे टेस्ट आए हैं उनका जो है ना बॉडी बिल्कुल सही है, उन्होंने रिकवर कर लिया, मगर दिमाग का जहाँ तक है उनको दिमाग में फटी हो चुका है। क्या डॉक्टर साहब क्या? यार डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? यार हौसला रखें आप, हौसला 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 तमुल तमुल और तो सुन ले और क्या। यार मतलब उनको और भी कोई बीमारी है? नहीं 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 बीमारी नहीं है, उनका राइट वाला जो हाथ है ना वो जख्मी हो गया थोड़ा सा, उसके अंदर जख्मी होके अंदर लोहे के चले गए थोड़े बहुत पीसीस, इस वजह से उधर का ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना उनका हाथ डैमेज हो सकता है इस वजह से। इसलिए आपने ऑपरेशन अगर कराना है तो आपको मैं पेमेंट बताता हूँ, टोटल 2,00,000 लगेंगे। नहीं ज़्यादा
सरकारी अस्पताल अगर नहीं पेशेंट करा तो ना कराए। चलो यार हम बाहर तो आ चुके हैं। हाँ यार इकबाल तो अंदर ही है, इकबाल से डॉक्टर ने बात करनी है। या ही तो नहीं, अभी तो रेस्ट करने दूँ ना मैं याली को और चचा को, अभी तो दोनों रेस्ट कर रहे हैं ना, इस वजह से मैं अभी तक नहीं करना चाहता। बाद में मिल लूँगा अली से, चचा जो अभी तो बेहोश है। डॉक्टर ने मेरी बेइज्जती करके ना मुझे जाने दिया, इकबाल से बात कर ला मेरे खास अली के बारे में। इकबाल आता ना तो मैंने उससे बात करनी है ना।